नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फोर पर। एक बार फिर से आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। शौचालय सहायता योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अगर आपके परिवार में भी शौचालय नहीं है तो आप भी 12,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं और नया शौचालय बना सकते हैं। सरकार की तरफ से यह 12,000 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब यह लाभ किस प्रकार से लिया जाएगा, क्या पात्रता निर्धारित की गई है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि शौचालय के लिए आपको भी 12,000 रुपये मिले तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा, वीडियो को देखते रहेगा, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश में कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं जिससे कि सभी देशवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन योजना। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शौचालय योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत एक शौचालय के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से जो राशि दी जा रही है वह 12,000 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे कि लाभार्थी अपना शौचालय बनवा सके। अब दोस्तों, इसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, कहां पर जाकर अप्लाई करेंगे, कौन से इसमें दस्तावेज चाहिए होंगे और क्या सरकार की तरफ से पात्रता निर्धारित की गई है, उसके बारे में हम आपको तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। कुछ चंद काम आपको करने होंगे जिससे कि आपको भी 12,000 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में मिल सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप बता दें कि यह जो किस्तें मिलने वाली है, यह दो किस्तों में यह पैसा मिलेगा, यानी कि 12,000 रुपये जो सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किया जाएगा वह दो किस्तों में जारी होगा। अब पहली किस्त जब ट्रांसफ़र की जाएगी दोस्तों, यह जब शौचालय का निर्माण शुरू होता है तब सरकार की तरफ से 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और वहीं दूसरी किस्त तब ट्रांसफ़र की जाती है जब शौचालय का पूरा निर्माण हो जाता है, श्रमिक के बैंक खाते में यह राशि डाल दी जाती है। इससे हर घर में शौचालय होगा। अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, हर घर में शौचालय हो सकेगा जिससे कि राज्य पूरी तरह से शौच मुक्त होगा और इससे गरीबों को अपने घर में शौचालय निर्माण कराने में सहायता भी मिलेगी। आप इसके लिए आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए दोस्तों, इसमें आपका उत्तर प्रदेश का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसमें दोस्तों और भी राज्य के लाभ प्राप्त कर सकते हैं अगर उनके राज्य सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई होगी तो। यहाँ पर दोस्तों आप लाभ ले सकते हैं। अब आवेदक के पास पक्के मकान नहीं होने चाहिए, यानी क्या पात्रता यहाँ पर निर्धारित की गई है वह आप यहाँ पर जान सकते हैं। पक्के मकान नहीं होने चाहिए, अगर आपके पास पक्के मकान हैं तो आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के लिए आवेदन श्रमिक ही कर सकते हैं जिन्होंने पंजीकरण करा रखा है। इसके पास जिसके पास दोस्तों श्रमिक कार्ड होगा वही इसके लिए एलिजिबल है, पात्र हैं। इस योजना का लाभ एक परिवार एक ही बार ले सकता है, यानी कि इसमें आप केवल एक ही बार यह लाभ ले सकते हैं। अगर आपने शौचालय का पहले ही लाभ लिया हुआ है तो आपको दोबारा से इसका लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक के पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए जो कि इस योजना के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब कौन कौन से दस्तावेज हैं वे भी आप यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वहीं आय प्रमाण पत्र, श्रमिक कार्ड और आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट जिस बैंक अकाउंट में आप राशि को प्राप्त करेंगे, एक मोबाइल नंबर और दोस्तों आपका आय प्रमाण पत्र,
ये सभी दस्तावेज आपको चाहिए होंगे। आप इसके लिए किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। बस आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नए स्टूडियो में दोस्तों, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।